देखिए हम एक्सरसाइज सबसे पहले करते हैं, मैं यहाँ से 1.18 सबसे पहले, क्योंकि जो 1.17 है ना उसमें सिंपली ये स्क्वायर रूट के बारे में स्क्वायर फाइंड करना या स्क्वायर रूट फाइंड करना वो बहुत सिंपल है। तो मैं डायरेक्टली 1.18 का एक से दो पार्ट करवा देता हूँ, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग साथ साथ मैं कर रहा हूँ, अपलोड मैं कर दूंगा। एक में क्वेश्चन कर रहा हूँ 1444, कहता है इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें। सिंपल से है, पहले से किया हुआ है। 2 7s are 14, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 6s are 12, 2 1s are 2। अब ये आगे नहीं होता, आगे ही होता है डायरेक्टली 19s are। ठीक है, तो फिर इसका हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? 144, इसके लिए आगे नेक्स्ट जी 19 नहीं, वैसे ही मुझे पता है ना, मुझे पता है कि 361 जो है वो सिर्फ 19 ही होता है। ठीक है, ये किसी और के टेबल पे जाता नहीं है। अच्छा, उसके बाद देखें यहाँ पे, फिर हम इसके फैक्टर लिखेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 19 की पावर 2। गलत हो जाएगा, फिर रह गया 19, यहाँ पे क्या बन गया 38। दैट इज योर आंसर। ये स्क्वायर रूट फाइंड करना। उसके बाद क्वेश्चन है, एक डेसिमल वाला मैं कर देता हूँ, 26.01 ये क्वेश्चन। ठीक है, पेज नंबर 73 एक्सरसाइज। नहीं नहीं, अभी मैंने छोड़ा तो नहीं, अभी तो मैंने सॉल्व भी नहीं किया, अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ कि इसको इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन, सॉरी डिवीजन मेथड इस तरह करते हैं, 2 2s are 4 3 3s are 9 5 4 4s are 16 5 5s are 25, इस तरीके से टेबल पढ़ के जाते हैं। या हम इसको ये नहीं कर सकते कि 2 13s are 26, अब यहाँ से 1 आया, पॉइंट ऊपर चला गया, 01 नीचे आ गया, इसका क्या बन जाएगा 10, 5 के अंदर 5 ऐड कर देंगे, 10 बन गया। तो यहाँ पे फिर 1 पुट करेंगे, क्योंकि 1 से ये आसानी से सॉल्व हो रहा है। 1 1s are 1 1 0s are 0 1 1s are 1, आंसर क्या आया 5.1। बच्चे ये 1 खुद से लगा के अगला नेक्स्ट स्टेप करने के लिए, या इसको तरीका दूसरे तरीके करना हो, 10 जो पहले से पड़ा हुआ था ये वाला, इसके साथ 1 लिखें, 1 के साथ मल्टीप्लाई 6 वाला 676 को सॉल्व कर दें। तो सबसे पहले 2 2s are जा रहे हैं, 2 2s are 4, 2 माइनस करने के बाद 2 आया, यहाँ से 76 नीचे आ गया, यहाँ से क्या बन जाएगा 4, क्योंकि डिजिट क्या था 2, 2 में फिर 2 प्लस करेंगे 4 आ गया। अब हमें फिर किस तरह कर, कितने पे करना पड़ेगा 6 पे, 6 6 6 6 6 are 36। अब ये कैसे पता चला 6 पे करना है, ये मैं अलग से बता दूं, 4 के साथ, क्योंकि यहाँ पे क्या था 4, रोमान ये 4 कहाँ से आया है? यस सर, ये 4 कहाँ से आया है? हाँ, 2 में 2 प्लस करते थे, नया डिजिट ऐड कर देते होते हैं, जैसा कि अब 46 से अगर हमें नीचे सोचना पड़ता तो 46 में हमने क्या ऐड करना था, नया डिजिट क्या है 6, 46 में फिर 6 ऐड करना था, फिर वो बन जाना था 52। ठीक है, अब यहाँ से मैं कर रहा हूँ 4 के साथ पहले 1 लिखा, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 41 आ गया, हमने क्या लेके आना है 276, 4 के साथ 2 लिखा, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 2s are 4 2 4s are 8, 4 के साथ 3 लिखा, 3 के साथ मल्टीप्लाई, 3 3s are 9, 3 4s are 12, अभी बहुत दूर आ रहा है, उस लिहाज से मैंने अंदाजा लगा के 6 पे फिर किया डायरेक्टली। ऐसे आपने करते जाना, चेक करते जाना, 6 6s are 36, 3 6 4s are 24, और 3 27, आप सारा आगे चेक कर लिया करें, 4 के साथ किया 4 से चेक कर लिया, 5 के साथ किया 5 से चेक कर लिया, 6 के साथ किया तो ऐसे चेक कर लिया 6 के साथ। ठीक है, सारे चेक करेंगे फिर आपको श्योरिटी होगी कि हाँ मैं ठीक कर रहा हूँ।
ठीक। अब हमारे पास आंसर क्या आ गया 26। अब इस एक्सरसाइज में से आप सोचना भी ना कि मैं आपको एमसीक्यू भी दूंगा, ये इतनी इजी एक्सरसाइज है, समझ लगी बात की। अब आगे चलते हैं, असल प्रॉब्लम क्वेश्चन जिनको हमें सॉल्व करना है वो यहां से स्टार्ट हो रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 10, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर शेप बार इफ इट्स एरिया इज, एरिया कितना है 1296 स्क्वायर मीटर। फाइंड क्या करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। हमेशा मैं बताता हूं जो चीज गिवन हो उसका सबसे पहले फॉर्मूला लगा दें। गिवन क्या है यहां पे, एरिया ऑफ स्क्वायर। क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर शेप्ड बार्क, स्क्वायर शेप्ड बार्क, बार्क की लेंथ फाइंड करें जिसका एरिया क्या दिया गया है 1296 स्क्वायर मीटर। तो इसका एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं, एरिया इक्वल टू लेंथ स्क्वायर। एरिया कितना है 1296 स्क्वायर मीटर, लेंथ की वैल्यू हमें नहीं पता, उसको हम लेंथ स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं। फिर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट में जी जी बच्चे बोले, बच्चे मैंने बोला है एग्जांपल नंबर 10 पेज नंबर 73 इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे 1296 का। अब चूंकि मैंने आपको स्क्वायर रूट लेना सिखा दिया हुआ है, अब अगले हर क्वेश्चन में स्क्वायर रूट आप खुद से लेंगे, मुझे चूंकि जो याद होगा मैं ऑलरेडी डायरेक्टली लिख दूंगा, मैं सॉल्व ही करके दिखाऊंगा। स्क्वायर रूट लेना मैंने आपको सिखा दिया ऑलरेडी, तो डायरेक्टली मैं बोल दूंगा जी इसका स्क्वायर रूट ये आने वाला है, वो आप खुद कर लेंगे, आपकी प्रैक्टिस है ना, करें, मैंने आपको सिखा दिया हुआ है। इसका आ गया 36 मीटर लेंथ, दिस इज आंसर। और ये एमसीक्यूज आते हैं इतने छोटे, माइंड इट कि ये कोई लंबे क्वेश्चन नहीं है। नहीं 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 नहीं, सारा दिमाग में करना है जी, दिमाग में। जैसे मैंने 1296 सॉल्व करके किया है, नहीं माइंड में नहीं किया, एबिलिटी पैदा करनी है, समझ लगी ना बात। मैंने कैसे सोचा है, मैंने रट्टा को नहीं लगाया हुआ था, मैंने सिर्फ अंदाजा लगाया और मुझे शोर था अंदाजे पे, कैसे 1296 था ना, ऐसे ही करना था मुझे, ये पता था यहां तो 3 आना ही आना है, 3 से आगे नहीं जा सकता, इसका 6 से मुझे अंदाजा था कि यहां 6 ही आना है, 36 हो गया, मतलब 3 इसका आ गया, इसका 6 आना था, 36 आ गया, ये मैंने यहां से अंदाजा लगाया। एक सपोज करें, एक और क्वेश्चन कर रहे थे उसमें था 30-25 ऐसे करके था, अब क्या इसका आना चाहिए 55 आना चाहिए, क्यों बोला इसका 5 5 25 5 आना चाहिए, उसका ऑलरेडी एंड पे 5 है 5 आना चाहिए। लो हमने तो नहीं सॉल्व किया, ठीक है जी, कर सकते हैं, आपका दिमाग चलना चाहिए, एमसीक्यूज के लिहाज से रेडी रहे, क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, ठीक है ना, पूरा करना है, पूरा करना आना चाहिए, ठीक है। बाज़ुकात आप धोखा खा जाएंगे, मैं ही आपको धोखा दूं तो आप धोखा खा जाएंगे, मुझे पता है मैंने आपके साथ ट्रिक कैसे चलनी है, आप मेरे ट्रैप में आ जाएंगे। इट इज रेक्टेंगुलर, सबसे पहले ऊपर हेडिंग दे दिया करें क्वेश्चन के ऊपर रेक्टेंगुलर, ताकि कोई बच्चा मिस्टेक ना करे, रेक्टेंगुलर की बात हो रही है। सबसे पहले कहता है लेंथ फाइंड करें, ठीक है हमने कहा इसमें क्या प्रॉब्लम है, हम लेंथ फाइंड कर लेंगे। कहता है एरिया दिया गया है, एरिया कितना है 19.36 स्क्वायर मीटर, वेयर लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स विड्थ। एक शर्त दी गई है, इसकी जो विड्थ है ना, लेट विड्थ, विड्थ कहता है एक्स है तो फिर इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए 4x होनी चाहिए, ये नहीं पता कितनी कितनी, मतलब सपोज कहता है आप इसको 3 रखते हैं ना, तो ये 4 3 12 होनी चाहिए, इसको आप 5 रखते हैं ना विड्थ को, तो ये 5 4 20 होनी चाहिए, ये वो शर्त बता रहा है। आगे आपने अपना दिमाग चलाना है, हमने तो हमें जो के पता ही नहीं था, हमने कहा चले ठीक है, एक को हम x रख लेते हैं दूसरे को 4x, क्यों वर्ड कहां से उठाया, लिखा था वेयर लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स विड्थ,
मतलब सपोज करें मैं कहता हूं माय फादर्स एज इज 3 times or 2 times ऑफ माय एज, इसका मतलब क्या हुआ, मैं एक्स हूं मेरे फादर क्या हुए 2x, मैं 30 हूं मेरे फादर क्या है 60, समझ लगी बात की, ये होता है 2 times 3 times 4 times उससे जज करना। अब हम इससे में से लेंथ और विड्थ को फाइंड करने जा रहे हैं। गिवन चीज का फॉर्मूला मैं पहले से रूल बता चुका हूं, रूल मतलब मैंने खुद से ट्रिक के तौर पे कह रहा, रूल किताब वाला नहीं कह रहा जी रूल ये लगेगा, मैं आपको ये कह रहा हूं जो चीज गिवन उसका फॉर्मूला लगा दे। गिवन चीज क्या है, एरिया ऑफ कौन सा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड या रेक्टेंगल, उसका फॉर्मूला क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ये एरिया होता है। एरिया की जगह जी दो ही चल रहे हैं, एरिया का फॉर्मूला एरिया की जगह पे एरिया पुट करें 19.36 स्क्वायर मीटर, लेंथ की जगह पे 4x मल्टीप्लाई बाय विड्थ, विड्थ की जगह पे x। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें 4x स्क्वायर, दूसरी तरफ से 19.36 स्क्वायर मीटर, दोनों तरफ से स्क्वायर रूट ले लें, इसका स्क्वायर और फिर वही दिमाग में करना है, माइंड में करना है, कैसे आएगा 4 और हां जी इधर से 4 है, गुड शाबाश, इसका क्या आएगा पॉइंट आएगा ना, बच्चे पॉइंट 4 आएगा ना। अब यहां से ये धोखा आपने खाना था ना, आपने समझना था एंड पे 6 है तो सिर्फ 6 से होगा, गलत है ठीक है, जल्दी जल्दी से ना करके चेक कर लिया करें, क्योंकि इन ऐसे क्वेश्चंस में वो आपसे डिमांड नहीं करते कि ये चेक कर रहे, चेक करके दिखाएं हमें, आपका आसान तरीका क्या होना चाहिए, 44 को 44 से मल्टीप्लाई कर लो, 46 को 46 से मल्टीप्लाई कर लो, जल्दी से मल्टीप्लाई जल्दी हो जाता है ना स्क्वायर रूट, अगर आपको टाइम लगता है तो सपोज कर ले 4 4 16 4 4 16 और 1 17, फिर वही आएगा 6 13, 7 और 1 8 और 1 9, ये देखो पूरा आ गया, इसका मतलब क्या है, वी आर गोइंग गुड ठीक है। यहां पे क्या लिख लिया 4.4 मीटर्स, इधर से क्या आ गया 2x, x की पावर 2 भी कट गया और इस 4 का स्क्वायर रूट क्या था 2, तो इस वजह से 2x लिखा, 2 इधर से 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 2.2, क्या रह जाएगा 2.2, ये क्या है हमारे पास आई वेट, बट वी डू नॉट रिक्वायर्ड विड्थ, हमें चाहिए क्या लेंथ, क्वेश्चन में हमने मांगी लेंथ, तो लेंथ क्या हो गया मल्टीप्लाई बाय 4, 4 टाइम्स है ना, सो लेंथ विल बी 4 मल्टीप्लाई बाय 2.2 मीटर्स, कितना बन गया 8.8 मीटर्स जी। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 12, find the area of square shaped shop if length of one side of shop is this, देखिए सिंपल है ये तो, ज्यादा आसान है ना ये एमसीक्यू, कोई भी मैं कहता हूं ये एमसीक्यू ही कोई नहीं देगा, चलो पिछले एमसीक्यू को बनते थे लेकिन ये एमसीक्यू भी कोई नहीं देने वाला, लेंथ दी गई है कहता है एरिया फाइंड करें, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ ठीक है, जिस भी क्वेश्चन में अकेली लेंथ दी जाए वो हमें हमेशा होता ही स्क्वायर का, पहली बात ये, लेकिन क्वेश्चन के अंदर बताया भी गया हुआ है स्क्वायर शेप्ड शॉप ठीक है, जाहिर स्क्वायर है ना बच्चे, जो मर्जी चीज है, पार्क है, पूल है, स्विमिंग पूल भी आता होता है ना क्वेश्चन में, इस तरह की कोई भी चीज आ जाए डजंट मैटर, मैटर करती है सिर्फ एक चीज के वो स्क्वायर है रेक्टेंगल है, इन दो चीजों का वर्ड जो नाम आएंगे उस वो मैटर करेंगे जी। लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ कर दें 8649 स्टूडेंट्स हैं, कहता है ये इस तरीके से बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं कि हर लाइन में जितने बंदे हैं जितने स्टूडेंट्स हैं उतनी ही टोटल लाइंस हैं, मतलब सपोज करें 9 बंदे हों क्लास में, अब
अब होता ये है, टोटल कितनी लाइनें हैं, 1 2 3, हर लाइन में बंदे कितने हैं, 1 2 3, ये सीक्वेंस है ठीक है। अगर आप ज्यादा करना चाहें एक लाइन इधर बढ़ा लें, लाइन बढ़ गई है, लाइन नहीं हर लाइन में एक एक बंदा बढ़ गया, तो फिर अब एक लाइन भी बढ़ानी पड़ेगी, फिर भी स्क्वायर बन गया। पहले 9 थे, अब कितने हो गए, 16। समय लग रही ना बात की, कि आपको उसी सीक्वेंस में फिर मूव करना पड़ता है ठीक है। अब अगर एक और लाइन बढ़ाएंगे, फिर हर लाइन में एक एक बंदा बढ़ाने, सपोज कर हम एक लाइन बढ़ा देते हैं, लाइन बढ़ा दी, फिर हर लाइन में एक एक बंदा भी बढ़ाना पड़ेगा, तो इसे कहते हैं हम स्क्वायर पैटर्न। हमेशा जो बागात लगाए जाते हैं वो भी इसी पैटर्न से लगाए जाते हैं, और फौजियों के जो ट्रूप खड़े किए जाते हैं वो भी अमूमी तौर पे परेड के अंदर इसी पैटर्न पे खड़े किए जाते हैं ठीक है। तो कहते हैं इतने, अब इसका तरीकेकार क्या हुआ, सिंपल स्क्वायर रूट। मैं अब आपको मार्क करवा रहा हूं ना, 1.19 के ऊपर मार्क करें। क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल स्क्वायर रूट, क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल स्क्वायर रूट, क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल स्क्वायर रूट, यानी कि ये तीनों क्वेश्चंस एक ही तरह के, कोई नेक्स्ट स्टेप नहीं है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आए, कहता है स्क्वायर शीट पेपर है, इसके अंदर वर्ड फिर क्या है, स्क्वायर, और जबकि एक साइड क्या है स्क्वायर की, कल लेंथ कितनी है, 19.5 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, यानी कि लेंथ का स्क्वायर या लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, एक ही बात है। तो 19.5 मल्टीप्लाई बाय 19.5 सिंपल, हाँ जी मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि एरिया लेंथ दी गई है और एरिया फाइंड करना है, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ हो जाएगी जी। क्वेश्चन नंबर 4, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट दिया गया है, उसकी लेंथ फाइंड करनी, सिंपल स्क्वायर रूट। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी सिंपल स्क्वायर रूट, ये देखिए 1.19 भी किसी काम की नहीं है, कि जिसे हम कहें कि बड़ी एक्सरसाइज करने वाली, टफ है, नहीं, बच्चों वाली है, बिल्कुल बच्चों वाली। आगे आ गया रिव्यू एक्सरसाइज 1B, इसके MCQs आप खुद करेंगे, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे सेंड करके डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 34 तक है, सही मजे वाले क्वेश्चन, जिन्हें कहेंगे कि निचोड़ है पूरा, पिछले सारा जितना भी पीछे पड़ा हुआ है उस सारे का निचोड़ इसके अंदर आ जाता है ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 34 से बैकवर्ड मूव करूंगा ठीक है, मोस्टली ज्यादातर टफ होते हैं एंड वाले हिस्से पे, तो उससे मैं बैकवर्ड मूव करता हूं ताकि वो आपको आसानी से पता चलता जाए कि क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 34 मैं दोबारा फिर बता रहा हूं, 1B में सॉल्व कर रहा हूं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर हैविंग एरिया, एरिया दिया गया है, स्क्वायर रूट ले लेना है, क्या निकल आएगा, लेंथ निकल आएगा। क्वेश्चन सॉल्व बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है हुरिया हैज अ स्क्वायर शेप्ड मैट विद एन एरिया ऑफ 289 स्क्वायर सेंटीमीटर, शी वांट्स टू डेकोरेट द मैट बाय पुटिंग फ्रिंज अराउंड द एजेस, हाउ मेनी सेंटीमीटर फ्रिंज शी नीड्स टू बाय। देखिए इसमें थोड़ा सा सॉल्व करने वाला है, एरिया ऑफ स्क्वायर दिया गया है, एरिया कितना है 289 स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर ऐसे लिखेंगे ठीक है, आप वो वर्ड्स में लिखने के बजाय स्क्वायर सेंटीमीटर यही है। दोबारा फिर सुने, एरिया दिया गया है, जब उसने कहा ना टोटल उसके गिर्द, सपोज कर लें इसके अंदर बात ये हुई है कि ये चीज उसके पास है और उसने साइडों पे ये चीज लगानी है, पूरे के ऊपर बॉर्डर लगा चलाएगी, लेंथ निकालते हैं, लेंथ स्क्वायर इज इक्वल टू 289 स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर रूट ले लिया, कितने का होता है 17 सेंटीमीटर लेंथ निकली है एक साइड की, क्योंकि उसका दुपट्टा स्क्वायर शेप्ड है, अंदर लिखा हुआ है, क्वेश्चन के अंदर वर्ड आया हुआ है
स्क्वायर शेप्ड बैट, क्या वर्ड आया हुआ है? क्या बच्चे नहीं गलत है ना वो, फिर उन्होंने पूछा हुआ है शी वॉन्ट्स टू डेकोरेट द मैट बाई पुटिंग फ्रिंज अराउंड द एजिस, सारे एजिस पे लगेगी, सारे चारों गिर्द लगेगी। उन्होंने क्वेश्चन एक दो और भी गलत दिए हुए हैं, आप यहां तक सिर्फ लेंथ निकालें एक साइड की, वो भी ठीक तो हो जाएगी अगर वो उनके अकॉर्डिंग, किस तरह हमने वो क्वेश्चन किया था वो भी आने वाला है, वो भी उनका गलत था पीछे, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसका पेरीमीटर निकालना है। हाँ जी, फोर से मल्टीप्लाई कर दो, 68 आएगा सर। 4L ये पेरीमीटर है या ऑफ स्क्वायर का, ठीक है। तो P इस तरफ लिख लें, 17 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें, कितना आता है 68 सेंटीमीटर। ये पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री पैरामीटर। हाँ जी पैरामीटर उसके 4L पैरामीटर स्केल का फॉर्मूला। हाँ जी 32 स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं, यू कैन डू दिस। क्वेश्चन नंबर 31 स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30 ये 1.18 की तरह है, 1.17 और 1.18 ये सिंपल है, चेक करना है ये स्क्वायर रूट है या नहीं है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 28 द प्राइस ऑफ अ पैकेट ऑफ अरस इज 270 रुपीज इफ द अमाउंट ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स इज, इधर देखें परसेंटेज टैक्स, टैक्स बाय वर्थ या वैल्यू या कॉस्ट प्राइस जो मर्जी लिख लें, मल्टीप्लाई बाय 100 प्राइस ही है ना असल में तो, ठीक है। टैक्स कितना है 80 रुपीज, उसकी कॉस्ट प्राइस वगैरह कितनी है 270 रुपीज, मल्टीप्लाई बाय 100। फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेट ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स, यानी कि रेट वर्ड किस लिए होता है, परसेंटेज के लिए। मैंने पहले भी बताया था रेट वर्ड किस लिए होता है, परसेंटेज के लिए। जी बच्चे कुछ बोला आपने? बाकी सारी कटिंग है, कटिंग तो आप कर लेंगे हर क्वेश्चन में, फिर इस तरह मैं यहाँ पे पुटिंग करके, यहाँ तक तो सारे बच्चों ने नोट कर लिया होगा ना, ठीक है। इससे आगे बाकी सारी कटिंग है, कटिंग आप कर सकते हैं। तो पॉइंट में फिर क्या परसेंटेज होती है, मूवी तौर पे पॉइंट जी, बस पॉइंट से पीछे पीछे ठीक हो तो ठीक है। नहीं नहीं आगे तक कम से कम एक डेसिमल, हां जी नहीं नहीं राउंड ऑफ करके ठीक है, नियर अबाउट भी ठीक कर दी जाए। जी नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 27 हैज टू क्रॉप्स ऑफ वर्थ 50,000 या 5 लाख, 5 लाख एंड 8 लाख रिस्पेक्टिवली इरिगेटेड बाय आर्टिफिशियल सोर्सेज, सिंपल अमाउंट। सबसे पहले क्या निकालेंगे, अमाउंट कितनी है 5 लाख, ये जमा कर लेंगे ना जी, प्लस 8 लाख, जाहिर है अमाउंट है ना, टोटल अमाउंट ऐड हो गई तो उसके ऊपर फिर मिश्र का फॉर्मूला लगा दें, अमाउंट 8,513,13 लाख रुपीस। अब उशर का फार्मूला, उशर इज इक्वल टू, क्योंकि आर्टिफिशियल सोर्सेज है तो 5/100 मल्टीप्लाई बाय अमाउंट, 00 भी 00 कट गया, 000 तो वैसे ही आ गया ना, ठीक है। 13,565 65,000 रुपया वो उशर अदा करेगा। 6 फाइंड द अमाउंट ऑफ ज़कात ऑन 2 लाख है, 2 लाख रुपीज अमाउंट, टू लाख क्या फाइंड करना है, ज़कात, ज़कात का फॉर्मूला 2.5/100 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख। देखें एक दफा लिख दिया करना, अगर क्वेश्चन लॉन्ग आए ना लिख दिया करना, बेशक रफ में इसको 40 से ही डिवाइड करके आंसर लिख देना, आंसर तो 40 से डिवाइड करके आना है ना, ठीक है, लेकिन इसको लिख लिया करना। 4, 5 20 हो जाएगा, 40 है ना, सपोज करें मैं लिख नहीं रहा, मैं वो इमेजिनरी कर रहा, 1 0 से 0 कट गया, 4, 5 20 कितने जीरो बच गए, 3 0 नजर नहीं आ रहा, 5,000 कितना बन रहा है, 5,000 रुपये, वैसे काम नहीं है, 5,000 रुपीज वो
जकात अदा कर। हाँ जकात है ना, उशर थोड़ी है। जी क्वेश्चन नंबर 25, द प्राइस ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज दिस 80,000, इफ द रेट ऑफ जीएसटी 17%, देन फाइंड द टोटल प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इंक्लूडिंग जीएसटी। देखें प्राइस, यानी कि परसेंटेज टैक्स इतनी है 17%। प्राइस आफ्टर टैक्स, टैक्स कितना 17%। जी उससे पता क्या होगा, पहले आप टैक्स निकालेंगे इसका, फिर उसको ला के इसमें ऐड करेंगे, गलत तो नहीं होगा। इसके बाद तो टैक्स तो 117 हो जाएगा, फिर प्राइस, पहली प्राइस क्या है कि 100% ऑफ प्राइस कितनी है 80,000, 1% ऑफ प्राइस इसी 170 बाय 100, लास्ट लाइन 117% ऑफ प्राइस। बाकी कटिंग है सर, ठीक है जी, जा के बैठा करें ना जी। दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं इसका, कर सकते हैं, मैं आपको हमेशा उससे करवा रहा हूँ जिससे आसान तरीन है, हाँ जल्दी हो जाए आसानी से। दूसरा पहले परसेंटेज टैक्स वाला फॉर्मूला लगाएं, फिर उसमें से टैक्स निकल आएगा, उस टैक्स को फिर 80,000 में ऐड कर दें। वो कई बच्चे होंगे वो टैक्स निकाल के वहाँ छोड़ देंगे, मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो समझिए कि सॉल्व हो गया, हैबिट बनी हुई है ना, देखो वो आदत बन जाती है ना बंदे की, क्योंकि मैंने सॉल्व कर लिया लो खत्म हो गया क्वेश्चन, नहीं खत्म नहीं होता वहां पे। ये किया था 8600, हां 1000 रुपीस एज प्रॉपर्टी टैक्स एट द रेट ऑफ 2%, फाइंड द टोटल वर्थ ऑफ द प्रॉपर्टी, फार्मूला वही, परसेंटेज टैक्स इज इक्वल टू टैक्स बाय वर्थ मल्टीप्लाई बाय 100। लो जी फाइंड क्या करना है, 10,000 टैक्स है, परसेंट कितने हैं 2, वर्थ फाइंड करनी है मल्टीप्लाई बाय 100, वर्थ उधर चल जाएगी, डब्ल्यू उधर चला गया, 2 उधर नीचे आ गया मल्टीप्लाई बाय 100, 250 के साथ कितने जीरो और लगे 500,000 आ गया जी, कर सकते हैं, यानी कि फिर पहली लाइन आएगी 2% ऑफ प्राइस दैट इज 10,000, लास्ट लाइन क्या आ जाएगी 100% ऑफ प्राइस। ये वाला मेथड का नाम है, ये वाला तो फार्मूला मेथड है ना, फार्मूला लगाया है, वो यूनिटरी मेथड है, टैक्स लगेगा अगर वो बेचारा 10,000 महीने का कमा रहा है, महीने का ओ साल का 120,000 हो गया, उस पर तो टैक्स लग ही नहीं ना रहा, टैक्स कम से कम कितनी अमाउंट पे लगेगा, 6 लाख से जो ऊपर अमाउंट हो, तो इसलिए इस बंदे की मंथली इनकम कितनी है 10 लाख, 1 लाख एनुअल कितनी होगी 12 लाख इनकम। हाँ जी मैं अलग-अलग करके लिख रहा हूँ ताकि आपको जीरोस का कॉन्सेप्ट ठीक रहे, 12 लाख हो गया उसकी इनकम एनुअल, 12 लाख वाला फॉर्मूला क्या था 2.5, 6 लाख से ऊपर वाली अमाउंट के ऊपर 2.5 टैक्स, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 6 लाख जी, हाँ वो एक दफा आप सॉल्व करके इधर लिख दें कि 12 लाख माइनस 6 लाख कर दें इक्वल टू 6 लाख, वो लिख दें एक दफा, लिख के फिर ये सॉल्व कर दें, अब पॉइंट खत्म करेंगे, जीरो आ गया, थ्री जीरोस कट के इनको मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ आ जाएगा 1 लाख, कुछ भी आ जाएगा
₹500 एंड द सेलिंग प्राइस ₹4,000। देखें सेल प्राइस है 4,000, डिस्काउंट कितने के बाद ये चीज बेची गई है 500 का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब है इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, ओरिजिनल प्राइस 4500। बच्चों हमारा ना ये तो कोई नहीं एमसीक्यू देगा, मतलब नॉट इवन एमसीक्यूज। 21, एहसन बॉट अ कार फॉर 15 लाख एंड सोल्ड इट फॉर 12 लाख, फाइंड द लॉस पर। सबसे पहले लॉस कितना है, 3 लाख, 3 लाख का लॉस है ना। आप मुझे फॉर्मूला लिखवाए मोहित, परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू लॉस बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज लॉस हमें नहीं पता कितना हुआ है, लॉस का पता है कितना हुआ है, 15 लाख की गाड़ी ली 12 लाख में बेच दी, कितना लॉक लॉस हुआ, 3 लाख। कॉस्ट प्राइस 15 लाख, बासित ये बेचने वाला, ठीक है, बाकी सारी कटिंग, बासित कटिंग करवा के करवा लेंगे आंसर। 5 zeros जी, ये नहीं काट सकता, वो कटोगे तो आपके आसानी दिमाग के लिए, 2 और 3 आप 15, 2 और 30 और 20%, ठीक है, आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 3,000, सेल प्राइस 5,000, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 2,000 का प्रॉफिट। जी बासित, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला बोलें, प्रॉफिट तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट आया है, 2000 का, सेम डिस्काउंट का भी सेम ही है तकरीबन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अ कार ट्रेवल्स 600 किलोमीटर इन 10 आवर्स ऑन मंडे and 200 km in 3 hours on Tuesday, what will be the average speed of the car? 200 distance, total distance kitna hai, 600 plus 200 800, main directly yahan pe kar raha hu kyunki maine to concept dena hai na, aapko pata chal jayega ki pehle add hi karna padega, total kitna ho gaya 800 kilometers, total time 13 hours, पहले 10 आवर फिर 3 आवर्स, 13 आवर्स। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं नहीं एक मिनट, हुज़ैफ़ा बोलेगा स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस कितना है 800, टाइम कितना है 13 आवर्स, पॉइंट पे आंसर आएगा ना, कट करने के बाद जो भी आंसर है उसके साथ लिख देना किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है, 260 किलोमीटर डिवाइडेड बाय लीटर्स, कितने हैं लीटर्स, 10 लीटर, जी निकालने कितना रेट, 0.0 कट गया, गाड़ी की एवरेज है 26 किलोमीटर पर लीटर। क्वेश्चन नंबर 15, अहमद ट्रेवल्स 300 किलोमीटर इन 5 आवर्स, फाइंड द यूनिट रेट, फिर उसी तरीके से 300 डिवाइडेड बाय 5 किलोमीटर पर आवर आ गए। क्वेश्चन नंबर 14, अ फोर्ट हैड इनफ फूड फॉर 60 सोल्जर्स, देखिए यहाँ पे इन्होंने जो डाटा लिखा है उसी के मुताबिक हमें फिर करना पड़ेगा, मैंने पहले बताया था लिविंग थिंग्स कंपैरिजन में आ जाए टाइम की किसी कैटेगरी के साथ, पहले डेज कितने हैं, बंदे कितने हैं, सोल्जर कितने हैं, 60, फिर 40, फिर उसके बाद कहता है कि 30 मोर सोल्जर ज्वाइन द हॉस्टल, फूड वाली कंजम्पशन में 90 हो, 30 जो के मोर ऐड हो चुके हैं, तो यहाँ पे एक्स आ गया,
क्योंकि मैंने पहले बताया है सोल्जर और डेज हमेशा यहाँ पे क्या होंगे इनवर्स, मतलब मैंने बोला था एक साइड पे लिविंग कैटेगरी कोई भी आ जाए, मर्द औरत मेल फीमेल मैन वुमेन लेबरर्स वर्कर्स सोल्जर हॉर्सेस, दूसरी तरफ से टाइम की कोई भी कैटेगरी, मिनट्स आवर्स वीक्स मंथ्स ईयर्स डेज कुछ भी आ जाए दोनों हमेशा। मैंने एक्स वाला बोला है, एक्स वाला एरो ऊपर को कर जी। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, x by 40 is equal to 60 by 90, इसका भी मैंने बोला था एरो की जो हेड वाली साइड है वो नीचे होती है, एरो के हेड वाली जो साइड है वो नीचे है, तो सी साइड ऊपर है, ठीक है, बाकी सारी कटिंग 0 0 जितनी भी आ रही कटिंग वो आप कर सकते हैं, 3 2 3 3 ऐसे ही है ना, तो 42 80 डिवाइडेड बाई 3 तो राउंड ऑफ में करके इसका आता था 27 26.67। हाँ तो लेकिन ना आंसर फिर राउंड ऑफ करके 27 क्योंकि डेज फिर आधा दिन थोड़ी होगा बीच में, मैन फिर 16 डेज, फिर कहता है 20 मैन और डेज फाइंड करने हैं तो फिर क्या होगा इनवर्स होगा। yes, क्यों कहता है 5 डेज में एक बंदा वो खत्म करता है, 100 पेजेस डेली पढ़े पेजेस, देखिए तरतीब क्या उन्होंने दी हुई है, कहता है 5 दिन एक बंदा लगातार किताब पढ़े तो 100 पेज डेली का पढ़े तो एक किताब खत्म हो जाती है, इसका मतलब हुआ उस किताब के टोटल पेजेस कितने हैं 500, ऐसा ही है ना। yes, sir. कहते हैं हाउ मैनी पेजेस मस्ट ही रीड इन अ डे, हर रोज के वो कितने पेज पढ़े, हमने कहा ठीक है हम एक्स लगाते हैं इसको, पेजेस है ना, तो हमने कहा हम उसको लगाते हैं एक्स, उसने कहा हाउ मैनी पेजेस विल ही रीड मस्ट ही रीड, ठीक है तो हमने कहा एक्स लगाते हैं जी, कितने पेजेस उसने फाइंड करने हमें नहीं पता, टू फिनिश इट इन 10 डेज, वही किताब 10 दिनों में खत्म करनी है, देखें बुक के अंदर आंसर गलत था, क्वेश्चन तरीके से गलत किया गया हुआ है, ठीक है लेकिन हम अपने तरीके से करेंगे, 10 दिनों में जाहिर है वो जल्दी खत्म कर लेगा, सॉरी मतलब उसे पर डे कम पेजेस पढ़ने पड़े, अब वो पता ढीला हो गया है, जो बंदा 5 दिनों में फर्ज कर लें एक चैप्टर खत्म कर रहा था 100 पेजेस खत्म कर रहा था, एक बंदा 5 दिनों में 100 पेजेस खत्म कर रहा था, अब वही बंदा 10 दिनों पे आ गया, मतलब लेजी हो गया थोड़ा सा, बूढ़ा हो गया, ऐसे ही है ना, डबल टाइम लगा रहा है, डबल टाइम लगा रहा है इसका मतलब पेजेस वो कम पढ़ना शुरू हो चुके हैं, ऐसे ही है ना, किताब तो वही है ना, सेम बुक है, ठीक है अब फिर हम उसको करेंगे, ये क्या बना x by 100 is equal to 5 by 10 50 पेजेस पर डे, अब वो बंदा 50 पेजेस पर डे पढ़ रहा है, वो भी तो कह रहा हूँ गलत कर किया हुआ जी, गलत है। क्वेश्चन नंबर 10, टू वॉचेस कॉस्ट 16,000, हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 14 सच वॉचेस, जाहिर है 16,000 की दो वॉचेस हैं तो पहले 2 से डिवाइड कर लें, एक वॉच की कीमत क्या आई 8,000 को मल्टीप्लाई बाय 14 कर देंगे तो 14, ये तो सिंपल है ना बच्चों, हम बाकी कर लेंगे, आसान ही क्वेश्चन है ये शुरू वाले जो है, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 आसान है।